कई अखबारों के माध्यम से और कई इकोनॉमी के जानकार अपने लेखों के अंदर ये बात लिख रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो नीचे की ओर जा रही है। और जितने भी इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का डेटा हो, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो, सभी इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि इकॉनमी जो है वो सही हाथों में नहीं है। जब ये सरकार आई थी, हालांकि उस समय भी इकॉनमी के बारे में यही कहा जाता था कि इकॉनमी बहुत ख़राब है, मगर उस सरकार के आने के बाद आज करीब 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इकॉनमी और भी गिरती जा रही है। हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी का लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा और पूर्व वित्त मंत्री के तहत उन्होंने ये भी लिखा कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो काम होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है और वित्त मंत्रालय के अंदर एक वित्त मंत्री के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसके लिए दिन में 24 घंटे भी कम होते हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी वो कई बार बताते हैं कि ऐसे भी समय थे जब उनको रात का खाना रात को 3 बजे खाते थे। उस समय इस बात पे सवाल उठा कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं उनके पास इतना समय कैसे है कि वो 4-4 विभाग संभाल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास है, बाकी और 3 मिनिस्ट्री हैं और उसके अंदर एक जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है। तो ये सवाल जो है ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है कि क्या देश को एक कॉम्पिटेंट वित्त मंत्री देना, देश को एक कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर देना इस सरकार का काम नहीं है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास 4 विभाग थे, अब 3 विभाग हैं, बात यह है कि इतने बड़े बड़े विभागों की जिम्मेवारी के बावजूद वित्त मंत्री 2-2 घंटे हाई कोर्ट के अंदर और ट्रायल कोर्ट के अंदर गुजारते हैं। अपने जो उनके पर्सनल डिफेमेशन के केसेस हैं, मैं ही नहीं कहता कि उनको 10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, और उनको 10 करोड़ रुपए अगर हासिल होंगे तो देश के कितने करोड़ रुपए उस वक्त तक लूट चुके होंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और वो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। मगर अगर वो इतने बिजी हैं तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि वो किसी कॉम्पिटेंट आदमी को वित्त मंत्रालय दें, ताकि देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जो इतनी बुरी है, इतने खस्ता हाल के अंदर है, उसको एक नई गति मिले।